व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ हाजिर है। आज हम बना रहे हैं अंडा बिरयानी। जी हाँ, अंडे की बिरयानी पका रहे हैं। ये भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ देखिए में घी लिया है। घी हमने यहाँ पर लिया है और अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। एक प्याज दरमियाने साइज की, फिर अभी हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक है बारीक कटी हुई या पेस्ट बना ले। ये हमने अदरक डाली इसमें और साथ ही लहसुन भी बारीक कटा हुआ। अभी हम सबको इनको भून लेंगे। यूज़ अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये हमारा अदरक लहसुन और प्याज भून चुके हैं। अभी टमाटर हम इसमें नमक कभी डालेंगे। यह एक खाने का चम्मच, एक खाने वाले चम्मच नमक का और साथ ही यहाँ पर लाल मिर्च एक खाने का चम्मच। जब यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि आग हमारी तेज है। प्याज हमारा मसाला जल ना जाए इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी हम इसमें बिरयानी मसाला लेंगे। बिरयानी मसाला हम इसमें डालेंगे और साथ ही दो अदद आलू बुखारे। यहाँ हमने गरम मसाला लिए और साबुत धनिया थोड़ा सा कूट लें। इसका पानी कम होने तक थोड़ा सा इसका पानी उसको भूनेंगे। अभी हम उसमें पानी डालेंगे। मसाला हमने भून लिया। अभी हम इसमें डालेंगे चावल। जब भी आप चावल में पानी डालें, पानी ऐसे हो चावलों से थोड़ा सा ऊपर हो, जैसे कहा जाता है कि एक कनी ऊपर हो इसी तरह, तो फिर हमारे चावल वो बेहतरीन तरीके से गलेंगे और इससे ये है कि वो ज़्यादा वो नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर हमें जैसे चाहिए होंगे वैसे ही होंगे। फिर पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह ऐसे घुमाना ताकि मसाले और चावल अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। अब हम इस पर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखेंगे, 2 से 3 मिनट। यहाँ हमने 6 अदद अंडे उबाल कर छिलका उनका उतार कर रखे हैं। 1/2 किलो था चावल, 6 अदद अंडे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने अंडे फैमिली को अपने देखो वहाँ चावल की मकदार भी उतनी बढ़ाएं, बाकी मसाला जात वही है, वो रेसिपी के हिसाब से जो मकदार है उसी हिसाब से बढ़ाएं उसको। फिर
यहाँ जैसे ही एक उबाल इसमें आ जाए तब हम इसमें ये अंडे डालेंगे। अभी हम इसका ढक्कन देंगे अभी इसके गलने तक, तब तक इस पर ढक्कन देंगे। तो अभी हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। चावल हमारे तैयार है, इस पर हम फूड कलर डालेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे। पहले हम इसमें प्योर्स, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख रहे हैं। नीचे भी इसके कुछ अंगारे रखे और ऊपर भी मैंने इस पर कुछ रखे। थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पर रख रहे हैं। प्योर्स, चावलों को हमने थोड़ी देर दम पर रखा, अभी हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं। तो जब भी आप फूड कलर डालें तो इसको मिक्स करना ज़रूरी है ताकि चावलों का अच्छा रंग आ जाए। अभी हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। व्यूअर जी, हमारे आज की अंडे वाली बिरयानी तैयार है, तो बहुत ही बेहतरीन बनी है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी रेसिपी? आप भी घर में बनाइए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कैसे पकाई और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।